Hello and namaste, myself Surajan Sahu from MindMagma, and in this video we are going to cover about mining first aid. This topic ko humne already start kar chuke hain aur is topic ko humne 5 part mein divide kiya tha, in which first part we have covered about our aims of first aid, DRS, ABCD, first aid method aur emergency scene management, aur uske baad se hum abhi tak types of emergencies aur first aid for specific emergencies ko continue kar rahe hain. To abhi hum टाइप्स ऑफ एमरजेंसी भी पढ़ चुके हैं, पर अभी हम फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक एमरजेंसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. सो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में फर्स्ट एड ऑफ स्पेसिफिक एमरजेंसीज के बारे में. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट. सो अब हम पहले देखेंगे एम्प्यूटेशंस. एम्प्यूटेशंस में बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हमारे बॉडी से कट होके अलग हो जा रहा है, कंप्लीटली एम्प्यूट मतलब बॉडी से अलग हो जाना, उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं. तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे इंजरी में हम लोग को क्या एक्शन या कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए. सो फर्स्ट इज परफॉर्म अ सीन सर्वे. हमको आसपास का सीन देखना है, वो सीन सर्वे से देखना है कि वो जो कोई भी रीजन जो है वो हमको हार्म तो नहीं करने वाला, या फिर वो जहां जिसको चोट लगी है उसको और हार्म तो नहीं करने वाला. तो वो सीन सर्वे हमको करना है, वो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज कंट्रोल ब्लीडिंग, डायरेक्ट प्रेशर टू द वूंड. मतलब जैसा कि हमारा एक्सटर्नल ब्लीडिंग में हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसमें भी वही करना है कि हमको एक डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है अपने वूंड पे, ताकि हमारा जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके. थर्ड इज सेंड फॉर मेडिकल हेल्प. मेडिकल हेल्प को हमको कॉल करके मेडिकल हेल्प के लिए बुलाना है उसको, कि मेडिकल हेल्प आए हमारे पास फटाफट. फोर्थ इज केयर फॉर द एम्प्यूटेड पार्ट बाय रैपिंग इट इन अ क्लीन मॉइस्ट ड्रेसिंग. एम्प्यूटेड पार्ट जो है कि हमारा कोई भी जहां पे हमारा कट हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लेफ्ट साइड को ले लें, आप लेफ्ट साइड में जो इमेज बना है, तो हमारा एक हाथ है, हाथ हमारा कट चुका है, तो उसपे हम लोग एक डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा ब्लड फ्लो रुक जाए. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एम्प्यूटेड पार्ट है, जो हमारा कटा हुआ हाथ है, उसको रैप कर रहे हैं हमें क्लीन और मॉइस्ट ड्रेसिंग के साथ. ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप. Fifth step is put the amputated part in a clean, watertight plastic bag and seal it. तो अगर अभी हमारा ये हाथ जो अलग हो चुका है, अलग होके कहीं पे गिरा हुआ है, उसको हमें एक क्लीन वाटर टाइट प्लास्टिक बैग में बंद करके सील करके रखना है. और सिक्स पॉइंट इज कि उसी बैग को हमें एक पार्टी फील्ड क्रश्ड आइस के अंदर, उसी बैग को हमें एक और एक कंटेनर में रखना है जिसमें आइस, जो क्रश्ड आइस है वो भी हो, और उस एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट को भी उसके अंदर रखना है. उस पहले हमें क्या करना है, वो जो कटा हुआ पार्ट है उसको हमको एक वाटर टाइट प्लास्टिक बैग में बंद करके सील करके रखना है, और जो सील किया हुआ हमारा बैग था उसको हमें एक और एक प्लास्टिक बैग या फिर कंटेनर में रखना है जिसमें बर्फ भरी हो, क्रश्ड आइस हो, उसके अंदर रख देना है. और फिर एक अटैच अ रिकॉर्ड ऑफ द डेट एंड टाइम दिस वॉज डन, और उस पैकेज को कैजुअलिटी के साथ मेडिकल हेल्प पे भेज देना है. मतलब हमको एक इसका डेट रिकॉर्ड करना है कि इस टाइम पे, इस डेट पे ये चीज हुई है, और इस पैकेज को हमको कैजुअलिटी के साथ ही, मतलब जो एम्पुटेड बॉडी पार्ट है वो कैजुअलिटी के साथ ही हमको मेडिकल हेल्प में भेज देना है. ये हो गया हमारा फर्स्ट एड अगर हमारा एम्पुटेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज आर कंट्यूजन और ब्रूश. ब्रूश मतलब कि हमें कभी कभी ऐसे नॉर्मल चोट आ जाती है, उस सिचुएशन में हमको क्या करना है ब्रूश के टाइम पे. तो फर्स्ट इज रेस्ट, हमको रेस्ट लेना है, हम उस पार्ट को रेस्ट लेने के लिए रखना है. सेकेंड इज इमोबिलाइज, उसको हिलाना नहीं है, उस पर कोल्ड अप्लाई करना है. थर्ड इज उस पर कोल्ड अप्लाई करना है ताकि थोड़ा सा जो जलन है वो थोड़ा सा कम हो, और उसको थोड़ा सा एलिवेट करके भी रखना है. ये बेसिक चार स्टेप्स है हमारे अगर कभी ब्रूज या फिर कंट्यूजन जैसी इंजरी हो रही है हमें. नेक्स्ट इज एब्डोमिनल इंजरी. एब्डोमिनल इंजरी के टाइम पे हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा सीन सर्वे और प्राइमरी सर्वे हो गया. जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देखते हैं एब्डोमिनल इंजरी, उनके पेट के पास एक कट हो रखा है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बाहर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल इंजरी. तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमको सीन सर्वे और प्राइमरी सर्वे करना है. सीन सर्वे मतलब आसपास की चीजों को देख के हमको देखना है कि वो जगह सेफ है कि नहीं. एंड सेकंड इज प्राइमरी सर्वे, मतलब हमको फर्स्ट एड देना है और मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाना है. सेकंड पॉइंट इज इफ यू फाइंड एन ओपन अबडोमिनल वुंड यू मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग वाइडर, द इंटरनल ऑर्गन्स मे बी डिस्प्लेस्ड. जैसे कि आप लेफ्ट साइड इमेज में देख सकते हैं कि हमारा जो एब्डोमिनल वुंड है वो ओपन हो चुका है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बाहर आ रहे हैं. तो अभी वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स एक ऑर्गेनाइज वे में ही हमारे बॉडी में होते हैं, तो अभी वो बाहर आ जाएंगे तो देर विल बी सम चांसेस कि वो जो बॉडी ऑर्गन्स है वो डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, जिससे वो सिचुएशन जो है वो और वर्स्ट और भी सीरियस हो. तो हमको वो चीज प्रिवेंट करना है कि जो कट है एब्डोमिनल वुंड जो ओपन हो चुका है वो ज्यादा और ना खुले, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है. थर्ड इज पोजिशन द कैजुअलिटी इन द सेमी सिटिंग.
उस कैजुअलिटी को जैसे कि अभी हमारे लेफ्ट साइड इमेज में बैठ रखा है, उसी सिचुएशन में हमको उसको बिठाना है, दैट इज कॉल्ड सेमी सिटिंग पोजिशन, या फिर हमारा नीज को थोड़ा सा ऊपर करके या फिर कोई सपोर्ट के साथ हमको उसको बिठाना है जैसा कि हमारे लेफ्ट साइड इमेज में दिख रहा है। फोर्थ इज ड्रेस द वुंड, वुंड जो है उसको थोड़ा सा ड्रेसअप, मतलब उसको थोड़ा सा क्या, उसको ड्रेसअप करना है हमको, वुंड पे बैंडेजेस वगैरह लगाने हैं, और वो बैंडेजेस वगैरह कैसे कि पुट ऑन अ मॉइस्ट ड्रेसिंग टू स्टॉप द ऑर्गन फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड बैंडेज लूजली विथ टू ब्रॉड बैंडेजेस, मतलब हमको मॉइस्ट बैंडेजेस लगाने ताकि हमारे जो बैंडेजेस हैं वो ड्राई आउट, सूख ना जाए, वो जो चोट पे ऑर्गन लगे, जो ऑर्गन्स है हमारे वहां पे जो निकल के बाहर आ रहे हैं वो सूख ना जाए, इससे कुछ मॉइस्ट ड्रेसिंग उसके ऊपर रखना है और बैंडेज को थोड़ा सा लूज करना है, जो कि हम टू ब्रॉड बैंडेजेस यूज करके थोड़ा सा हम लूज उसको लगाए ताकि उस पर वो टाइट भी ना रहे और एक कंफर्ट भी रहे उस टाइम। और लास्ट पॉइंट इज गिव ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती हमको उसको असिस्ट करना है और उसको एक केयर प्रोवाइड करना है जिसको हम ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर बर्न्स, अगर कभी हमारा हाथ कुछ जल जाता है तो उस सिचुएशन में, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जल जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज आर डू अ सीन सर्वे, सीन सर्वे करना है हमको। सेकेंड इज कूल द बर्न्स राइट अवे, इमर्स इट इन अ कूल वाटर इफ पॉसिबल, तो हमारे जहां पे भी जला है तो सडनली हमको उसके बाद क्या करना है कि उसको ठंडा करना है, तो इसको ठंडा करने के लिए हमको पानी के नीचे हम लोग कूल वाटर उस पर डाल सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर 20 मिनट्स, अगर कहीं पे जल गया है तो 20 मिनट्स तक उसके ऊपर वो ठंडा पानी गिरता रहता है कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर कोई भी ज्वेलरी या फिर टाइट क्लोथिंग पहन रखी है तो उसको निकाल दे ताकि वो स्वेल हो जाए, स्वेल होने से पहले उस कपड़े को या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह वो निकाल दे, और कुछ अगर फंसा हुआ है डोंट रिमूव एनीथिंग दैट इज स्टक, अगर कुछ उस जलने की वजह से कुछ फंस गया है कहीं पे तो उसको निकालने की कोशिश मत करें, मतलब कुछ छेड़खानी नहीं करना ताकि चीजें और वर्ड सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाए, सो हमको वो चीज का भी ध्यान रखना है। एंड व्हेन द पेन हैज लेसेंड लूजली कवर द बर्न विद अ क्लीन लिंट फ्री ड्रेसिंग और गिव ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर, जैसा कि हमारा पेन थोड़ा सा कम होने लगेगा तो उस सिचुएशन में हमको उसको एक क्लीन लिंट फ्री ड्रेसिंग प्रोवाइड, लिंट फ्री ड्रेसिंग करनी है उसको, जैसे जब हमारा पेन थोड़ा कम हो जाए और फिर जब तक हमारा मेडिकल हेल्प नहीं आ जाता उस सिचुएशन तक हमें उस कैजुअलिटी का ख्याल रखना है। ये हो गया हमारा बर्न। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, वी आर गोइंग टू कवर दिस स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज, इस चीज को हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, सो यही चीज का कंटिन्यूशन रहेगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।